एएमयू में 24 जुलाई को हुई फायरिंग में घायल एएमयू कर्मी नदीम की मौत हो गई। नदीम की मौत के बाद नदीम के बेटे ने पुलिस पर सवाल उठाए, कहा कि इस हमले का मुख्य सूत्रधार तालिब है, जो कि हमारी बहन को लेकर हमसे रंजिश मानता था। हमारे पिता पर पहले भी 2 बार हमला करा चुका है, उसी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। जबकि पुलिस के अनुसार सीसीटीवी में दिख रहे तीनों हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तथा के जीवनगढ़ के कुछ लौंडे थे, ठीक है, गुंडे ही थे। और मेरी बहन जब 13 साल की थी तभी से उसको परेशान करते थे, हरेस करते थे। फिर हमने पॉक्सो के तहत इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज की थी। फिर पुलिस ने एक को गिरफ़्तार भी किया था, बट अब क्या पता क्या है, लगता है कि पुलिस भी इन्वॉल्व है इसमें। उनको फ़ौरन ही छोड़ दिया, उसके बाद से तभी से दुश्मनी हो गई थी। एक बार और अभी 7-8 महीने पहले पापा पे एक बार और अटैक हुआ था, उस टाइम तो बच गए थे। फिर हमने FIR दोबारा दर्ज करी और शिनाख्त करके कि ये लोग थे जिन्होंने गोली चलाई, पापा ने की थी। तो इन्होंने उसके नाम को, जो मेन गुंडा है, पता नहीं क्या इनका रिलेशन है पुलिस वालों का कि हर बार उसको बचाते रहते हैं, उसका नाम कट कर दिया और अज्ञात शो कर दिया। फिर अभी पापा पे अभी रिसेंटली फिर अटैक हुआ, अभी भी 5-6 लोग थे। और यहाँ पे भी जो दोनों भाई हैं, दोनों भाई रोज़ ऑफिस जाते थे, उन पे अटैक हुआ। उसके बाद किसी ने स्टेटमेंट तक नहीं लिया है, ना स्टेटमेंट लिया और शो कर दिया। वो तो पकड़े भी गए तो लोगों ने पकड़ा उन्हें, वरना पुलिस तो कुछ नहीं करती इनका। और स्टेटमेंट नहीं लेने के अलावा ये कि और कार वगैरह भी थी, सब हमने CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, 5 लोग से ज़्यादा ही थे। और इन्होंने शो किया सिर्फ 2 लोग थे, और जो मेन था इनका, जिसको हमने किया भी है आइडेंटिफाई, कौन है, क्या नाम, मेन है उसका नाम तालिब, ठीक है, वही इनका मेन है और वही हर चीज़ में इन्वॉल्व है और वही करने की कोशिश कर रहा है। एक होती है ना, लोगों को ज़िद हो जाती है कि करना ही है, अपना दबदबा कायम करना होता है। तो बार बार पिछली बार बच गए थे पापा, तो इस बार कोशिश करी फिर उन्होंने, तो इस बार कामयाब भी हो गए वो। और पुलिस इनको हर बार पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, इस बार भी ना कोई उन्होंने स्टेटमेंट लिया ना कोई कुछ करी है उन्होंने। और शो कर रहे हैं कि वो जो तालिब है मेन, वो था ही नहीं यहाँ पे, जबकि उसको आइडेंटिफाई किया, कैमरे में वीडियो तक है उसकी। अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है कि जो अभी फरार है तालिब मेन इनका, ये जो गैंग लीडर है, इसे अरेस्ट करें। हमारे पास प्रूफ भी हैं, सबके पास प्रूफ है, और पुलिस जो भी कोशिश कर रही है बचाने की इनकी ना करें, क्योंकि आप सीरियस हो गए, आप एक इंसान की जान तक चली गई, अब तो मान जाएं। हम लोग की ये डिमांड है। हाँ भाई, ये 24 तारीख को 9:15 बजे के आसपास में 2 लोग, मिस्टर नदीम और कलीम, 2 भाई हैं, ये इंजर्ड हुए थे, गोली इनको लगी थी। कुछ 2-3 लोगों ने, बाहरी लोगों ने गोली चलाई थी और वो दोनों ज़ख्मी हुए थे। फौरन उनको अस्पताल पहुंचाया गया था, आपको मालूम होगा। और लेकिन नदीम की स्थिति मुस्तकिल तौर पर क्रिटिकल बनी रही है, हालांकि फौरन उपचार शुरू हो गया था, मेडिकल कॉलेज में उनका ऑपरेशन भी हो गया था और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा था। लेकिन कल रात में 3 बजे से उनकी अचानक तबीयत बिगड़ना शुरू हुई थी और डॉक्टर ने पूरी अपनी कोशिश की, लेकिन बहरहाल तकरीबन हमारे पास 5:50 पे फोन आया कि उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है और CPR वगैरह चल रहा है। फिर उसी के 10-15 मिनट के बाद फिर दोबारा फ़ोन आया कि नदीम का इंतकाल हो गया है। हाँ, दोनों नदीम और कलीम दोनों यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं, रहे हैं है। और 24 जुलाई 2024 को थाना सिविल लाइन स्थित AMU कैंपस में कार्यरत 2 कर्मियों को 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी। दोनों ही घायलों को तुरंत ही JNMC में एडमिट करवाया गया था, जिसमें से एक नदीम की आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरे प्रकरण में यह भी अवगत करवाना है कि थाना सिविल लाइन ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए 329/24 इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया था, जिसमें तीनों ही हमलावरों की गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।